जे चिट्टे नशे तो इंसान नूं दूर रखना है, जिहड़ा बंदा हिम्मत करता है, दिन रात मेहनत तशक्कत करता है खेतीबाड़ी दे तहत, उन्होंने इसका फायदा हो सकता है। लेकिन जो चिट्टे सिंथेटिक नशे होंगे वो नाल तुहाडी शरीरिक तौर पर भी तुहानूं तोड़ पैंदी है, नुकसान हुंदा है, और मेडिकल दे भी तौर पर इहनूं इलाहा लाभ मिलता हैगा फीम दे दिन, क्योंकि खून जिहड़ा है उबलदा है। और जिहड़ा चिट्टा नशा करता है उन्होंने बकायदा यह भी नहीं एहसास होंदा कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, कई बार वो नज़रअंदाज अपने बुजुर्गों की या अपनी संस्कृति की भी कर रहे हैं। इसलिए कल ये खिलाफ ही कोई विवाद खड़ जाना तो भी पता है, तो मैं समझता ये जिन्ना कप्पा बच्चों को नशे तो दूर रख लिए ना, उन्ना अपना पंजाब वधिया रहेगा, अपने लिए फायदेमंद। 22 तरीक तो बाद कितें भी DAP की किल्लत नहीं आएगी। साड़ी खेती विभाग की टीम दिल्ली बैठी है, जिथे कितें भी DAP की घाट है उसनों पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यह कहना है पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप सिंह का। काका रणदीप सिंह ने पंजाब च अफीम की खेती से भी प्रतिक्रम दिता है। साड़ी खेतीबाड़ी के तहत DAP सानू दिती गई थी, अज सानू तकरीबन 86% DAP दिती गई है 22 तरीक तक, क्योंकि सारे ही प्रेस के साथी उरे तुसी हाजिर खड़े हो 22 तरीक तक, क्योंकि 30 तरीक तक बिजाई चलनी है, किते 20-22 तो बाद किल्लत DAP की नहीं होनी। रोज़ दे पंजाब 7 रेक लगनगे, और मैं धन्नवादी हाँ इस, क्योंकि मैं 2 बार केंद्र की सरकार के वजीर साहब नाल तालमेल किया, उन्होंने आश्वासन दिता, और साढ़े जतन जी इन मोनीटर कर रहे हैं। साड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम दिल्ली बैठी है, जिहड़ी रोज़ रेकों की डिस्पैच कर रही है, जिथे जिथे घाट हैगी उन्हूं वध तो वध पूरा करन दी कोशिश। देखो ये सुखपाल कह रहा, चाहे मेरे तो गलती होंगी है कानूनी तौर पर या किसी तो होंगी है, कानून कायदा सारे लिए एक है। मेरा ख्याल ये जो लग रहा है ये शायद कित ना कि मैनू महसूस होंगे पार्टी पद्धर से किया जा रहा है, और इसका इंजाम थोड़े सामने जल्दी आ जाए। नवजोत कौर सिद्धू कह रहे हैं भी पंजाब के विच खेती नूं। देखो पुराने जमाने च ना जिहड़े मैं कहिंदा वैसे सोहना तो लगता नहीं, तुसीं मैनूं पुछना चाह रहे हो, पर पुराने समय च आम तौर पर फीम दे लसंस हुंदे सी, राजस्थान च भी हैगे और MP च भी मौके ते दित्ते हनगे, कई बजुर्गों नूं दित्ता जा रहा। फीम थोड़ा जिहा जोश ज़्यादा दिंदी है, इस जरूर इस हैगा कि भी कितें ना कितें जे चिट्टे नशे तो इंसान नूं दूर रखना है, जिहड़ा बंदा हिम्मत करता है, दिन रात मेहनत तशक्कत करता है खेतीबाड़ी के तहत, उन्होंने इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उत्पादन फायदा होंदा जिन्ना इंसान जोर लाता, और मेडिकल दे भी तौर पर इहनूं इलाहा लाभ मिलता हैगा फीम दे दिन, क्योंकि खून जिहड़ा है उबलदा। लेकिन जिहड़े चिट्टे सिंथेटिक नशे होंदे उहदे नाल तुहाडी शरीरिक तौर पर भी तुहानूं तोड़ पैंदी है, नुकसान हुंदा है, और जिहड़ा चिट्टा नशा करदा है उहनूं बकायदा यह भी नहीं एहसास हुंदा कि मेरे माँ बाप कौन होणगे, कई बार वो नज़रअंदाज अपने बुजुर्गों की या अपनी संस्कृति की भी कर लैंदा। सिंथेटिक ड्रग नालों फीम ठीक है जी? देखो मैं ये बारे बयान करना चाहता नहीं, पर मैं तुम्हें यह पूछे है, क्योंकि जो बयान ये बारे करेंगे तो कल ये खिलाफ ही कोई विवाद खड़ जाना तुम्हें भी पता है, तो मैं समझता ये जिन्ना कप्पा बच्चों नशे तो दूर रख लिए ना, उन्ना अपना पंजाब वधिया रहेगा, अपने लिए फायदेमंद। देखो हले तक पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपया हर किसान जिहड़े ने सुसाइड किए दिते गए, 157 नौकरी के नियुक्ति पत्र दिते गए हैं पंजाब सरकार के अधीन, और ये साड़ी नीति है, और असी वचनबद्ध खड़े, जिहड़ा किसान भी आत्महत्या कर रहा है कर्जे के बोझ थले आके, पंजाब सरकार उन्होंने 5 लाख रुपया राशि देगी और उन्होंने परिवारों को नौकरी देगी। लोगों तक जागृति दई है, और पंडित जी जवाहर लाल नहरू जी के जन्म दिहाड़े में समर्पित है, और साढ़े जिले के प्रधान साहब उन्हों की अगुवाई हेठ, क्योंकि मैं जिले का कोआर्डिनेटर लगाया गया पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों, तो उन्होंने तहत असी पंडित जी ने जो कि उस सोच न लेके चले थी, पंडित जी ने देश में आजादी योगदान पा के दूरअंदेशी सोच न देश में तरक्की की लीना चलाया थी, अज उही इंस्टीट्यूशन वैसे काबज करके जमहूरीयत वरत के जिहड़ी जमहूरीयत की नुमाइंदगी करते हैं जमहूरीयत का कतलेआम किया जा रहा, और जो पंजाब सरकार के अधीन जो कारगुजारी की गई है साडे माननीय मुख्यमंत्री साहब तहत, उहदी जागृति से लोगों तक पहुँचाने का यह उपराला कर रहे हैं, ताकि यह पंडित जवाहर लाल नहरू जी की सोच समर्पित कर सके। करतारपुर लांघा साड़ी इतनी केंद्र की सरकार ने लिता है, और कोशिश भी कर रहे हैं कि करतारपुर लांघा खोलिया जाए, क्योंकि थोनों भी पता है कितने ना कितने केंद्र ने चूक की हैगी, 15 किलोमीटर के दायरे तो 50 किलोमीटर साडा बॉर्डर बधाया हैगा, हालात क्योंकि जी ड्रोन होंगी है तकरीबन 3-3.5-4 किलोमीटर तक ही मार करती है। राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है जिदा बकायदा
ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਟਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ DAP ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ DAP ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਤਸ਼ੱਗਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਫੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਬਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ।